हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बीपीटी बोलते हैं या इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रेंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक ट्रेंगल दिया है, ट्रेंगल एबीसी। इसमें डीई पैरेलल टू बीसी है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन इन ट्रेंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। प्रूफ करना है, टू प्रूफ लिखेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों रेशियो इक्वल है, यही प्रूफ करना हमको। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसमें ड्रॉ, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं L, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं AB पर M। ड्रॉ DL परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB, ज्वाइन BE और DC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BE एंड DC। एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, इस साइड का ट्रेंगल लेंगे BDE, BDE इसका रेशियो फाइंड करेंगे। सेकेंड में फिर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, सेम लेंगे ADE, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी, डी ई सी। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, हाफ बेस इंटू हाइट। ए डी ई में हाइट लेंगे इसको एन ई, और बेस लेंगे ए डी, तो बेस हो गया इसमें ए डी और हाइट हो गया एन ई। एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई, बी डी ई इसमें हम लेंगे बेस बी डी, 1/2 बेस हो गया बी डी, और इसका हाइट होगा, इस साइड को अगर एक्सटेंड करेंगे बी डी को, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगा ई एन और एन ई, एन ई कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, हाफ बेस इंटू हाइट। इस बार हम लेंगे बेस ए ई लेंगे और हाइट लेंगे डी एल, बेस ए ई हाइट डी एल अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई सी,
DEC, DEC में बेस लेंगे EC और हाइट लेंगे DL, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा उसका DL, EC हाफ EC इंटू DL, DL DL कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, एरिया ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC इक्वल टू AE अपॉन EC, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, इन दोनों को हम इक्वल तभी लिखेंगे जब इसका लेफ्ट हैंड इक्वल होगा। और लेफ्ट हैंड में ऑब्जर्व करते हैं इसका जो न्यूमरेटर है ADE, एरिया ADE इक्वल है, डिनोमिनेटर को बस इसमें इक्वल करना है, एरिया BDE और एरिया DEC को इक्वल कर देंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, जिससे इसका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा और हम प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एरिया BDE, एरिया BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, DEC ये दोनों इक्वल होगा। आइए डायग्राम में देखते हैं क्यों इक्वल होगा। BDE और DEC का एरिया, BDE, BDE और DEC ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस सेम है DE। तो ये क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये एरिया इसका इक्वल होगा। रीजन लिखेंगे यहाँ पे सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसलिए इसका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।